आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ इस IR सेंसर का इस्तेमाल करके छुपे हुए कैमरे को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें कुछ मॉडिफाई करना है जिससे कि ये आपको बताएगा कहाँ पर कैमरा छुपा हुआ है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देख लीजिए, ये एक IR सेंसर है, ओके, और ये जो ब्लैक कलर का, ये इसका फोटो डायोड है, और ये जो ये एक IR LED है, पोटेंशियोमीटर है, एक प्रीसेट है जिसके मदद से आप इसका रेंज भी वेरी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इसका कुछ टर्मिनल है जो कि एक है आउट, एक है ग्राउंड और एक है VCC। तो अभी हमें लेना है एक 220 ओम्स का रेजिस्टेंस, या फिर आप यहाँ पर 470 ओम या फिर 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे हमें कनेक्ट करना है इसके आउटपुट टर्मिनल पर। जो इसका आउटपुट टर्मिनल है यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करना है। अभी हमें लेना पड़ेगा एक BC557 का PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है, जिसका जो बेस है उससे हमें कनेक्शन करना है इस 220 ओम्स के रेजिस्टेंस पर, यानी कि जो सेंसर का जो आउटपुट है उससे हमें कनेक्ट करना होगा इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो अभी मैं एक कट पीस ऑयल लेता हूँ जिसे मुझे कनेक्शन करना है इस ट्रांजिस्टर के एमिटर से इस सेंसर के VCC पर। और अभी हमें लेना पड़ेगा एक 5 वोल्ट का बोजर, तो जिसका पॉजिटिव मुझे कनेक्शन करना है ये जो ट्रांजिस्टर हमने यूज किया है इसके कलेक्टर पिन पर। और उसके बाद हमें और एक पीस वायर लेना है जिसे कनेक्शन करना है सेंसर के ग्राउंड टर्मिनल से, यानी कि सेंसर का जो नेगेटिव है उसको हमें कनेक्शन करना है इस बोजर के नेगेटिव पर, यानी ताकि बोजर का जो नेगेटिव है और सेंसर का जो नेगेटिव है दोनों एक हो जाए। तो आखिर में हमें कनेक्शन करना है पावर सप्लाई के टर्मिनल, तो यहाँ पर मैं 9 वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर मैं 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव को इस जो ट्रांजिस्टर है इसके एमिटर पिन पर, यानी कि सेंसर के पॉजिटिव पर VCC पर, और नेगेटिव को इस बोजो के नेगेटिव पर, यानी कि सेंसर के ग्राउंड पर। दोस्तों हमारा सर्किट अभी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं इसको देता हूँ पावर सप्लाई, और उसके बाद हम चेक करेंगे कैमरा को कैसे डिटेक्ट करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो IR LED है तो इसको आपको ऊपर उठा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो IR LED का लाइट कैसे दिख रहा है आपको, थोड़ा वायलेट कलर का आप दिख रहा होगा जो कि हम अपने आंखों को नहीं दिखता लेकिन कैमरा पर दिख जाता है। तो आपको इसको ऊपर उठा लेना है, या फिर चाहो तो आप इसको खोल भी सकते हो। ओके, तो अभी हम लेते हैं अपना CCTV कैमरा। तो ये मेरे पास एक CCTV का कैमरा है, ठीक है, जिसे मैं आपको चेक करके बताऊंगा कैसे इसको डिटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके जो थियोरी है वो पहले आप समझ लीजिए। देखिए, ये रहा इसका कैमरा, और ये इसके चारों तरफ कुछ LED लगा हुआ है। ये जो LED है ना, ये IR LED होता है ताकि रात को आपको अच्छा क्लियर इमेज आपको मिल सके। ठीक है, ये जो कैमरा है नाइट विजन कैमरा है, इसलिए हर एक CCTV कैमरा में आपको इस तरह का IR LED देखने को मिल जाएगा जो कि रात को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक IR LED है और ये भी एक IR LED है। तो ये एक IR सेंसर है जो कि IR रोशनी को, IR रेडिएशन को रिसीव करता है। ठीक है, तो यहाँ से भी IR लाइट निकलता है और ये भी IR लाइट को रिसीव करता है। तो जब भी ये सेंसर इसके सामने आएगा या फिर इसके आसपास आएगा, तो इसका जो IR लाइट है जो कि इन्फ्रारेड लाइट है, ये सेंसर उसको रिसीव कर लेगा और यहाँ पर बोजर जो है वो बजना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका थ्योरी जिसके मदद से ये किसी भी कैमरा को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पावर सप्लाई पर दे देता हूँ कैमरा को। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरे में से कुछ IR लाइट भी निकल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये आपके खाली आँखों को नहीं दिखता, सिर्फ कैमरा में आप इसे देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं देखिए, अगर मैं इसको इसके सामने लेके आता हूँ तो यहाँ पर बोजो जो है बजना शुरू कर देता है। अगर मैं इसको घुमा देता हूँ इधर की ओर तो साउंड जो है बंद हो जाता है, और अगर मैं इसको फिर से इसके सामने लेके आता हूँ तो फिर से ये साउंड बजना शुरू कर देता है। देखिए, तो IR लाइट जो है ये काफ़ी दूर तक, काफ़ी डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत दूरी से आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको पास में दिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये आपका 5 से 10 मीटर के अंदर तक भी ये रेंज रखता है। ठीक है,
लाइट को फेंकने का या फिर लाइट को डिटेक्ट करने का, ये यहाँ पर 5 से 10 मीटर का रेंज यहाँ पर ये रखता है। ओके दोस्तों, ये तो सर एक छोटा सा सर्किट, छोटा सा आइडिया जहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे आप एक IR सेंसर का इस्तेमाल करके CCTV कैमरा को छुपे हुए कैमरे को आप ढूंढ सकते हो। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं आप नए वीडियो में कुछ नए फीचर के साथ।